तो क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों का गुणा करना है, फिर याद देने का है माइनस, माइनस और प्लस का घटा संख्या को एक अलग बनाता है, मतलब यहाँ तीन माइनस का है एक तो, और एक यहाँ आपके क्या है आपके प्लस का है, तो देखो संख्या कितनी हो गई आपके एक, फिर यह माइनस आ रहा है, फिर दूसरी होगी फिर प्लस आ रहा है, प्लस और माइनस से संख्या अलग होती है, गुणा और भाग से नहीं होती, गुणा भाग से तो आपकी एक ही कहलाती है, तो इसका मतलब ये दोनों एक है, ये दोनों आपके एक संख्या है और ये दोनों आपके एक संख्या है। पहले इनको हल करेंगे, जैसे ये संख्या देखो आपके कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो हो जाएगा 3 × 9, 7 × 5 = 35, प्लस माइनस। अब इन दोनों में कट रही है तो काट दो, कट रही है देखो 2 से 2 कैंसिल, अब ऊपर तो बचा 3 और नीचे कितना बचा है 7, यहाँ आएगा आपके माइनस फिर प्लस। अब इनमें कट रही है तो काट दो, 5 से 5 कैंसिल और 3 × 3, 3 × 9, ऊपर तो बचा है 1 और नीचे बचा है आपके 3। पहले आप इन दोनों को एक करेंगे, इन दोनों जो इसके बीच में माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस से संख्या अलग अलग होती है, ये एक संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। अब लेंगे हम लसअप, बताओ कितना आएगा लसअप आपके 35 से नहीं आएगा, 35 से देखो आपके इसमें आएगा, इसमें आएगा 3 नहीं आ रहा, क्या करेंगे 35 गुणा कर देंगे 3 से, कितना आता है 105। यहाँ क्या करो इसका क्या निकाल लो, लसअप निकाल लो तो भी हो जाएगा, 35 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 105 आता है, 3 बार, 35 का 35 बोलो 70, 35 किया 105, 3 को गुणा करेंगे 9 से तो होता है 9 × 27, ये हो गया माइनस का जो साइन वो लगाना है, 7 के पहाड़े में 105 या 15 के पहाड़े में 105 कब आते हैं 7 बार में, तो 7 के पहाड़े कब आएंगे 15 बार में, इसमें इसका भाग आता है 15 बार, ये काट दे लो 7 × 1 पीछे बच गया 3 × 57 = 35, इसका भाग इसमें कितना रहता है 15 बार, 15 गुणा करेंगे 3 से 15 × 45। अब यहाँ प्लस 3 का भाग इसमें कितना रहता है आपके, 3 का भाग कर ले दिया इसमें 3 बार, फिर गया आपके 5 बार 35। अब प्लस का अलग जोड़ेंगे और माइनस का अलग जोड़ेंगे, माइनस का तो हो रहा है तो कितना 27, तो हाथ और 5 बार संख्या 1, 4 × 4 = 2 = 6 और ये कितना हो गया 7, बोतर तो है किसके माइनस के, और प्लस कितने हैं आपके 35/105, बोतर में से 35 गए तो पीछे बच गए आपके 37/105। अब बताओ ज्यादा कौन सा है इन दोनों में, प्लस वाली संख्या ज्यादा है या माइनस वाली ज्यादा है, माइनस वाली, यहाँ क्या आएगा आपके माइनस, माइनस का 37/105। अब ये वाला यहाँ देखो, यहाँ इंटू है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी संख्या एक है, इसमें यहाँ इंटू है, इसका मतलब क्या हुआ, ये संख्या पूरी एक है, ये तो हो जाएगा 5/2 माइनस, यहाँ अगर कुछ कट रही है तो काट दो, चतुर्थ काट दो, दसवीं कैसे कट रही हो तो काट दो, नहीं कट रही है तो ये हो जाएगा 7 × 21/10, यहाँ कट रही है तो काट दो, 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस 2 × 2 और नीचे कितने बच गए आपके 5। अब क्या लेंगे हम लसअप, ऐसी कौन संख्या है जो 10 के पहाड़े में भी आती है, 5 के पहाड़े में भी आती है, 2 के पहाड़े में भी आती है, 10 2 के पहाड़े 10 कब आता है 5 बार, 5 को गुणा करेंगे ऊपर 25, 10 के पहाड़े 10 कब आता है 1 बार, 1 को गुणा करेंगे 21 से, 21 × 21, 5 के पहाड़े 10 कब आता है 2 बार में, 2 गुणा करेंगे 2 से, 2 × 4। अब देखो 25 तो किसके हैं आपके प्लस के, प्लस केवल 25 ही है, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस कितना हो गया आपके 25, माइनस के भी हो गए 25/10, 25 में 25 गए 0/10, उत्तर क्या आएगा 0, 0 में किसी का भी भाग तो उत्तर क्या आता है 0।